In reference of the web hosting, we have little bit glossary. First of all, let's understand that APP. APP is abbreviation for the application. Okay. What is autoresponder? Autoresponder is the automatic email reply. Okay. मान लीजिए आपको यू आर नॉट अवेलेबल तो आपको वो जवाब ना हो तो वो मैनेज हो पाए. वॉट इज बैंडविड्थ? अभी आपने देखा बैंडविड्थ इज अमाउंट ऑफ डेटा कंज्यूम बाई होस्टिंग प्लान इन सर्टेन टाइम फ्रेम यूजुअली अ मंथ टू 10,000 क्लिक्स क्रॉस टू पेजेस 2 MB पेजेस ना क्रॉस टू तो वो कैसे मैनेज कैलकुलेट करते हैं तो होता है बैंड. ब्लॉग क्या होता है? शॉर्ट एंड for web blog, a web-based general use for a form of website that consists of posts typically displayed in a reverse chronological order. What is cold? Cold is country code top level domain. A group of domain extensible countries, for example, .uk for United Kingdom, TLD, abhi aage aayega, teen type ke hote hai na. Cloud hosting kya hoti hai? Cloud hosting ka matlab web hosting service where multiple servers are joined together, VPS. Okay. डेडिकेटेड सर्वर शेयर सर्वर या बीपीएस ये सब क्या है क्लाउड क्लोज्ड होस्टिंग. सीएमएस क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. एन एप्लीकेशन दैट अलाउज पब्लिशिंग एडिटिंग एंड मैनेजिंग कंटेंट ऑफ अ वेबसाइट फ्रॉम वन सेंट्रल इंटरफेस जो आपको हर कंपनी दे रही है कि आप हमारे सीएमएस से अपने वेबसाइट को मैनेज कर. फिर एक चीज होती है जी कंट्रोल पैनल. कंट्रोल पैनल में क्या होता है? मैनेजिंग योर होस्टिंग अकाउंट समटाइम कॉल्ड डैशबोर्ड. इन वेब होस्टिंग टर्म्स इज रिफर्स टू मैनेज एंड कंट्रोल वेब होस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ वेबसाइट सच एज installing scripts, creating new user email, etc. Do not mix web host control panel with the FTP control panel, where you control FTP related. एक होता है file transfer protocol, और एक चीज होती है control panel. Control panel में आप नए-नए आप अपने business requirements हिसाब से update करते हैं. File transfer protocol तो ज़्यादा technical entity है उसके लिए काम करता है. आप यहाँ पे हैं जी dedicated IP. आपको कल मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या होना चाहिए? DNS होना चाहिए. DNS के बाद आपको चाहिए क्या? वो चेंज होता है आईपी में. तो आपके हर वेबसाइट को डेडिकेटेड आईपी एड्रेस ही होता है यूज बाय योर वेबसाइट ऑन योर पर्टिकुलर सर्वर. सर्वर क्या है? ओन्ड बाय वन पर्सन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट शेयर्ड एनीवन एल्स जैसे क्लाउड होस्टिंग सर्वर शेयर्ड सर्वर एक्सेट. डिस्क स्पेस क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्पेस एलोकेटेड टू यू ऑन द सर्वर स्टोर टू काइंड वेबसाइट डेटा. डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम जो ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को आईपी में. मैंने आपको समझाया था. तो डॉक्यूमेंट रूट क्या होता है कि ये फाइल कहाँ रखी हुई है सर्वर में कहाँ रखी हुई है वही होता है डॉक्यूमेंट का रूट. जैसे ये HTTPS जिसे कनेक्ट कर रहा है जिस सर्वर को वो सर्वर में फाइल कहाँ रखी है. डोमेन नेम क्या होता है जी? यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज इंटरनेट रिसोर्स लाइक वेबसाइट www.google.com. डाउनलोड सेविंग डेटा फ्रॉम अनदर कंप्यूटर इसको क्या कहते हैं? डाउनलोड. डाउन टाइम क्या होता है? ए टाइम फ्रेम व्हेन अ सिस्टम मशीन इज अनअवेलेबल. डाउन मतलब क्या होता है? डाउन हो गया, कम हो गया, है ही नहीं. डायनेमिक आईपी क्या होती है? डायनेमिक आईपी ये चीज होती है कि जब आप कंप्यूटर रन टाइम आपको आईपी अलॉट कर दी गई इंटरनेट के थ्रू से कहते हैं डायनेमिक आईपी. जब जब आप कंप्यूटर से इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तब आपको एक आईपी दे दीजिए. ई कॉमर्स आप जानते हैं कि ट्रेडिंग किया जाता है जो सर्विसेज का. ईमेल क्या होता है? शॉर्ट टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल ए कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर सेंडिंग मैसेज. ईमेल क्लाइंट क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम यूज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग ईमेल. वेब में फोल्डर क्या होता है? प्लेस फॉर द फाइल सर्वर फोल्डर सर्वर. फोरम क्या होता है? आल्सो नोन एज द मैसेज बोर्ड. इट इज एन ऑनलाइन डिस्कशन वेबसाइट वेयर यूजर कैन पोस्ट मैसेज और क्वेश्चन रिसीव आंसर्स फ्रॉम अदर. फॉरवर्डिंग क्या होती है? सर्विस दैट रीडायरेक्ट समथिंग और समवन टू अनदर लोकेशन. वेब पेज फॉरवर्ड सेंड्स यूजर टू अनदर पेज. ईमेल फॉरवर्डिंग ऑटोमेटिकली सेंड्स अ कॉपी ईमेल टू अनदर. अब जी आता है FQDN. फुली क्वालिफाइड डोमेन सर नेम सर. फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम इसका मतलब क्या है कि आप अपने जो नाम चुना www.sachin.com वो फुली क्वालिफाइड आप इसको डोम सिस्टम में इन्वॉल्व कर सकते हैं. FTP क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. गिल्ड क्या है? जनरिक टॉप लेवल डोमेन जो तीन टाइप की डोमेन थी. होस्टेड ईमेल क्या है कि आप अपने हिसाब से मेल को बना रहे जैसे @bat.ac.in. होस्टिंग क्या है? अ सर्विस दैट प्रोवाइड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन विद दिस स्पेस ऑन सर्वर्स फॉर मैनेजिंग वेबसाइट का नेम. सब मामला है हम लोग इसी के लिए परेशान. और होस्ट नेम क्या है? लेबल दैट असाइन टू अ सर्टेन डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर नेटवर्क यूज फॉर आइडेंटिफाइंग वन स्पेसिफिक चीज. तो ये है ये पूरा अभी तक हम लोग समझे हैं. हम
अगली बार की क्लास में उसको और डिस्कस कर लिया जाएगा पूरा, ठीक है। ये पूरा है जीस्ट कि हम लोग जो आगे बढ़ना है। अब आप देखो इसमें IMAP है, ये भी सर प्रोटोकॉल है, IP एड्रेस हमने बता ही दिया है, लिनक्स एक विंडो की तरह ही लिनक्स होता है, वो ये सब जानते हैं, प्लेटफॉर्म आप जानते हैं, POP3 प्रोटोकॉल है, पोर्ट प्रोटोकॉल है, स्क्रिप्ट जानते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्वर FTP, शेयर्ड सर्वर SSL, ये सब क्या है प्रोटोकॉल। अपलोड का मतलब क्या है, सेंडिंग डेटा टू अदर कंप्यूटर, डाउनलोड करना, अपलोड करना, डाउनलोड करने की है। अब टाइम क्या है, टाइम फ्रेम व्हेन अ सिस्टम और मशीन इज अवेलेबल एंड वर्किंग, कि कितने टाइम तक है। डाउन मतलब क्यों, काम नहीं कर,